हेलो। हाँ, एक पैकेज रिटर्न था। आप लोकेशन पे हो क्या? नहीं, आप स्ट्रेट आते रहिए, स्ट्रेट आते रहिए। पैकेज? हाँ, पैकेज तैयार है। ठीक 2 हफ्ते पहले मुझे एक पैकेज मिला था सोनी की तरफ से, जिसके अंदर एज एक्सपेक्टेड 2 लेंस के साथ था होपफुली द बेस्ट व्लॉगिंग कैमरा इन द वर्ल्ड, द न्यू ZV-E1, जिसे पहली बार मैं रियली आंखों के सामने देख के मैं एज यूजुअल स्केप्टिकल हो गया कि इतना छोटा बॉडी कॉम्पैक्ट कुछ ज्यादा ही नहीं है, और क्योंकि बस 2 हफ्ते ही थे हाथों में। हाँ भैया, इस साइड। नहीं, एक ही पैकेज है, इसमें ही है सब कुछ। इतने सब कुछ एक साथ इस बॉडी में कैसे होगा? स्पेशली सोनी का वन ऑफ द बेस्ट सेंसर, वही 12.1 मेगापिक्सल फुल फ्रेम 4K मैजिक, वही एक्सट्रीम डुअल बेस ISO, नया वाला AI प्रोसेसिंग ऑटो फोकस। लेकिन इसका सबसे यूनिक फीचर्स को टेस्ट करने के लिए मुझे ऐसी लोकेशन चाहिए था जो सुंदर नहीं, टफ होगा, क्योंकि शूटिंग के साथ एक और चीज भी प्लान था, जैसे कितना टफली शेडोज, हाइलाइट्स एंड कलर्स को हैंडल कर सकता है इसका 15 प्लस स्टॉप्स ऑफ डायनामिक रेंज एंड 10 बिट 422 कोडेक्स, जिसके अंदर इस स्लॉक 3 का पावर तो था ही, बट मुझे देखना था इस कॉम्पैक्ट बॉडी का, जो लिटरली पॉकेट के अंदर आ जाए और पता भी ना चले, इसका वो स्पेशल फीचर्स में से एक जो इसे सबसे अलग करता है, द सिनेमैटिक व्लॉग मोड। मैंने देखा जिसमें ना वेरियस लुक्स और मूड चूज कर सकते हैं। काश ये लास्ट वाला ऑप्शन दिमाग के लिए भी होता, क्योंकि वाइड एस्पेक्ट रेशियो पे क्या ही सुंदर नहीं लगता। पहाड़ हो, जंगल हो, थोड़ा एक्सपेंसिव रेंट पे खाली हवेली हो, चाहे टूटा ही क्यों ना हो, व्लॉगर्स के लिए तो बेस्ट है ही, बट एडिटर्स के लिए भी, क्योंकि पागलों की तरह दौड़ के लिया गया शॉट्स देख के भी एडिटर्स शांत रहेंगे इसका एक और खतरनाक यूनिक फीचर के लिए। अच्छा देखो, सील मैंने किया नहीं है, ठीक है, आप एक बार चेक कर लो, फिर मैं टेप मार दूंगा। अच्छा, कितना टाइम लगता है इसको पहुंचने में? 1-2 घंटा। बैठ के शॉट्स को प्रिसाइजली अनसक्सेसफुली स्टेबलाइज करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 5-axis IBIS ऑप्शंस के साथ भी मैंने एक नया चीज देखा जो मुझे तब तक शॉक नहीं दिया था जब तक मैंने ट्राई नहीं किया था रियल टफ लोकेशंस पे, द डायनामिक एक्टिव मोड, जिस मोड का पहले मैंने इनर इंजीनियरिंग समझा, फिर अपना JEE का रैंक देखा, और फाइनली मैंने इसे मैजिक मान लिया, रियल मैजिक। इतना रफ और रिमोट लोकेशन था कि मोबाइल कनेक्शन आउट ऑफ रीच था, बट नो शेकी शॉट्स कैप्चर्ड, परफेक्ट लोकेशन, सिर्फ इस कैमरा टेस्ट के लिए नहीं, मेरा एक और प्लान के लिए भी, क्योंकि मुझे वहां फिर से जाना था एक बार और, उसके साथ इसका AI इंजन मैजिक, चाहे वो ऑटो फोकस में हो, अपने आप सब्जेक्ट को फ्रेम करना किसी ट्राईपॉड पे कैमरा सेट रहने के बाद भी, या AI ऑटो फोकस रियल टाइम, बड़े से छोटे किसी भी चीज, प्लेन्स, ट्रीज, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, इवन इंसान, सब ट्रैक कर सकता है इवन पीछे से सिर्फ पोज देख के, वही मैजिक, सेम लाइक क्लियर इमेज जूम। मेरे पास कोई जूम लेंस था नहीं, बट ये बटन था जो लिटरली 8x तक जूम कर सकता है विदाउट लॉस ऑफ एनी क्वालिटी, वही मैजिक। साथ में ऑटो डीफोकस बटन, बैकग्राउंड्स को ऑटो फोकस या डीफोकस करना, और विद द ब्लूटूथ कंट्रोल्ड ग्रिप जो सेपरेटली कंट्रोल भी करेगा कैमरा को, एंड द स्मार्ट 3 कैप्सूल्स माइक्रोफोन, ये सच में द बेस्ट एंड मोस्ट कॉम्पैक्ट एंड पावरफुल व्लॉगिंग कैमरा बन जाता है विद ऑलमोस्ट लिटरली एवरीथिंग, फोटो, वीडियो, SNQ buttons, कस्टम LUT options, डिस्प्ले LUTs, 4K 60, 120 FPS, इंटेलिजेंट ऑटो मोड्स, एवरीथिंग इन दिस बॉडी जो इतना कॉम्पैक्ट है कि एक पॉकेट के अंदर आ जाए, बस ये चीज मुझे हैरान और खुश कर दिया। और खुशी देखते देखते वो दिन आ गया जब रिटर्न करना था। टाइम कैसे और कितना बीता पता ही नहीं चला। 2 दिन नहीं, मतलब कमी है, 2 दिन में हेडक्वार्टर तक पहुंच जाएगा ना? ऑफिस तक तो पहुंच ही जाएगा। अच्छा, आपने चेक कर लिया ना? हाँ हाँ, ठीक, ये कर देना। हाँ, साइन करना है। पेन है आपके पास? पेन, ये मैं पकड़ लेता हूँ। अच्छा, एक सेकंड। अच्छा, मैं सील कर दूं अब? हाँ ठीक है। उस
कैमरा में कुछ तो ऐसा था कि आई हैड टू डू इट। अपने लेंसेज वेंसेज जगह पे हैं, चार्जर भी है। अरे कैमरा बॉडी कहाँ पे? कैमरा तो होना चाहिए। हाँ हाँ, एक मिनट मैं कॉल लगा ही रहा हूँ यहाँ, तो टेंशन वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल, आउट ऑफ रीच बता रहा है नंबर। जब कुरियर ने लिया होगा तो सब साइन वाइन करके लेता है ना। ये बात सही है। एक मिनट रुको, मैं एक बार कुरियर कंपनी चेक कर लूं। चेक करो यार।